नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रिटी कोल्ड प्लस टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट के फ़ायदे, नुकसान, इस्तेमाल करने का तरीका और कितने दिनों तक इसको इस्तेमाल करना चाहिए, इन सभी बातों को इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में जो घंटी वाला निशान है उसे ऑल पर टच कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, क्रिटी कोल्ड प्लस टैबलेट आती है लीफोर्ड कंपनी की और इसका MRP है 60 रुपये। और इसमें जो कॉम्पोजिशन है वो है पैरासीटामोल, फिनाइलेफ्रिन, हाइड्रोक्लोराइड और कैफिन एंड क्लोरोफेनरामाइन मेलेट टैबलेट। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके यूजेस के, किस काम में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसका उपयोग सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि गले में इन्फेक्शन हो गई है या फिर एलर्जी की वजह से सर्दी खांसी हो गई है या फिर बहुत ज़्यादा छींके आ रही हैं, आँखों से पानी आ रहा है, आँखें लाल हो गई हैं और बहुत ज़्यादा नाक बह रही है, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ बंद नाक की प्रॉब्लम, सिर दर्द, बदन दर्द और बुखार को भी ये बहुत राहत देती है। एलर्जी की वजह से जो जुखाम हो जाता है उसको ये बहुत अच्छे से ठीक करती है। दोस्तों, इसको अकेला नहीं दिया जाता है, साथ में और भी एंटीबायोटिक वगैरह दी जाती है। अगर खांसी है तो कफ सिरप भी दिया जाता है, तो डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर चेक करके ही आपको बताएंगे कि कौन कौन सी दवाइयाँ लगेंगी आपको। दोस्तों, इस टैबलेट को 3 दिन से लेकर 1 हफ्ते तक इस्तेमाल करने को बताया जाता है। अगर इसके नुकसान की बात करें तो इसको लेने से अगर पेट में गैस बनती है, कब्ज़ बनती है या फिर मुँह सूखने लगता है, चक्कर, उल्टी, घबराहट, मतली या फिर पूरे शरीर में खुजली, दाने निकलना, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम लगती है इसको लेने से, पहले ही टेबलेट लेने से ऐसी कोई प्रॉब्लम लगती है, तो आप इसे बंद करके अपने डॉक्टर को जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।